पापा के बर्थडे के लिए इतनी सारी सब्जी ले जा रही है क्योंकि कल पापा का बर्थडे है और तो इसीलिए हम सब्जी ले रहे हैं। तो कश्मीरी बर्थडे पे बहुत सारी सब्जियाँ बनती है तो वो मैं आपको अभी घर जाके बताऊंगी कि हम क्या क्या बनाने वाले हैं, या तो कल तो पता चल ही जाएगा। अभी बस हम कल की तैयारी कर रहे हैं। अब तो किस तरह मम्मी ने अभी बैंगन भी लिए, ये रहे बैंगन और ये रही मूली। फिर भी पता नहीं मम्मी यहाँ पे भी पहुंच रही है। बैंगन कितने के, मूली, मम्मी को ये पता लगाना है कहीं उसने महंगा तो नहीं ले लिया। मम्मी ऐसी होती है। हेलो गाइस, राइडर राखी में सबका अभी जगह तो अच्छा नहीं देती है। तो अभी हम जा रहे हैं मैं और राशि पापा के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने के लिए, जो कि पापा को नहीं पता है। हम पापा को सरप्राइज देंगे तो हम गिफ्ट लेने जा रहे हैं। अभी पापा के लिए कुछ कपड़े लेंगे, राशि बोल रही है मैं कुछ नहीं लेंगे, मतलब देखेंगे जाके क्या लेंगे। और हमें जाना तो दिन में ही था लेकिन हम सो गए थे, बहुत ज़्यादा नींद आई थी क्योंकि गर्मी इतनी है। तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग। तो अभी हम आ गए हैं रेड टेप, जहाँ से राशि पापा के लिए शूज़ देखेगी। पापा के लिए हमें लेने हैं रनिंग शूज़, लाइक स्पोर्ट्स शूज़, है ना राशि? तो अभी हम शूज़ देखेंगे और उसके बाद फिर कपड़े पापा के लिए देखेंगे। ये वाइट वाला, मैं ब्लैक, पूरा ब्लैक ही थी। इंस्टाग्राम पे देखा है ना तूने भी, देखा इंस्टाग्राम पे, ये फेमस है बहुत फास्ट फूड की शॉप। इनकी पहले ना छोटा सा रेड़ा होता था इनका, वो छोटा सा रेड़ा होता था और अभी इन्होंने इतनी शॉप खोली है बड़ी। गिर रहे हैं। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा वेज कौन से नॉन वेज कौन से है। जो तेरे हाथ में थे वो वेज है। लेट्स एंजॉय मोमोज। अच्छा है ना। तो हम पी रहे हैं मैंगो शेक क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अंकल को ना वो पीछे अंकल एक नारियल वाले वो देख रहे हैं कि मेरी दुकान पर कोई नहीं आ रहा और इसकी दुकान पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो वो नारियल बेच रहा है और जूस पी रहा है। तो हम शॉपिंग करके आ गए हैं पापा के लिए, जो कि सरप्राइज है पापा के लिए। बाई चांस जब हम घर पहुँचे ना तो पापा वॉशरूम में थे, तो मैंने जल्दी से छुपा लिया जो भी चीज़ें लाई थी पापा के लिए। तो अब हम गिफ्ट रैप करेंगे रात में। तो अभी हम बातें कर रहे थे यार, मतलब यहाँ पे आके इतनी सारी बातें करते ना हम, मीन्स मतलब हम चुप ही नहीं बैठते हैं लिटरली। पापा भी इतने फनी मजाक करते हैं मम्मी के ऊपर, मम्मी पापा के ऊपर, मतलब बहुत मज़ा आता है, इतना फन होता है। हमें कल भी ख्याल नहीं रहा कि खाना खाना है और आज भी हमारा मतलब खाना खाने का थोड़ा सा लेट हो गया। तो मतलब बहुत मज़ा आता है यार। एक्चुअली मैं सुबह व्लॉग स्टार्ट करना ही भूल गई और मेरे को लगा कि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और फिर मैं मतलब मैंने बीच से स्टार्ट कर दिया। और बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ बट बहुत ज़्यादा गर्मी है जम्मू में। हाँ कल पापा का बर्थडे है तो आज हम उसी की प्रेपरेशंस में थे। जैसे कि मेरे नानू की अभी 6 मंथ्स ही हुआ है तो ऐसा कुछ सेलिब्रेट नहीं कर सकते बट ऐसा छोटा मोटा पास के मतलब बच्चे जो हैं, जैसे मेरी अमन साई इनको बुला लिया है खाना खाने के लिए और ऋषभ आएगा।
तो हाँ, ऐसे ही छोटी छोटी चीजें, मोमेंट्स हम एंजॉय करते हैं, मतलब पूरा ज्यादा नहीं कर सकते, बट हाँ छोटा सा तो ऐसा ही जाएगा। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ, क्योंकि कल मेरे को मम्मी की हेल्प भी करनी है सारी सब्जियाँ बनाने के लिए, तो वो भी मैं आपको कल दिखाऊंगी कि हम क्या क्या बना रहे हैं। मतलब मोस्टली तो वेज ही बनता है हमारे बर्थडेज पे, तो दम आलू, नदुर यखिन, फिर हाक, फिर वो क्या है, राजमा, मूली की चटनी, और भी कुछ है। हाँ आई पापा, तो खाना खाने के लिए बस मेरी थाली लगा दी उन्होंने, तो अब मैं खाना खाती हूँ और मैं आपसे कल मॉर्निंग में मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मेरे पापा का हैप्पी बर्थडे है और हम सब उठ गए हैं, बस अभी पूजा करनी है हमें, तो मैं तो पूरा नहा लिया है और अभी मम्मी की हेल्प भी करनी है सब्जियाँ। मम्मी ने कुछ तो लगा दिया फ्राई वगैरह करने के लिए, बट कुछ अभी हेल्प करूँगी। तो कश्मीरी बर्थडे में मोस्टली अब तो पता चल गया होगा कि पहले तो तहर बनाते हैं, जो कि ज़रूरी है, मतलब बर्थडे पे तहर इज मैंडेट, बनाना ही है। और सबसे पहले पूजा करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं एंड फिर उसी को एज ए प्रसाद सब में बांटते हैं। तो अभी पहले वही पूजा हमें करनी है और मम्मी ने बस तहर लगा दी है और पापा अभी पूजा करने गए हैं। हमारा ऊपर भी मंदिर है एक तो, और नीचे छोटा सा ऐसे मंदिर रखा हुआ है, तो मम्मी क्योंकि ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पा रही थी, तो जैसे ही पापा नीचे आएंगे तो हम पूजा करना शुरू कर देंगे। और अभी देखते हैं कि ओ पापा आ गए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। और क्या कैसा लग रहा है? शुक्रिया भगवान का, पूजा हो गया, पूजा वो पूजा हो गई है, अभी वो तहर वाली पूजा करनी है ना। हाँ बच्चे, चलो रेडी हो जाओ फिर जल्दी। और ये है तहर। तो बस अब पापा भी रेडी होंगे, मम्मी भी रेडी होगी, मुबारक छुई। तो फिर हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। तो अभी पूजा शुरू होने वाली है और पापा ने मेरे को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अच्छी वीडियो लेनी, तो बस अब पूजा की शुरुआत करते हैं और मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ। इसको भी ये देखो ना, पहले हम कैसे करो, क्या होगा और किसकी तरफ से है? किसकी तरफ से है? No. नहीं, गैस नहीं। हाँ क्या यार, आपके साथ बैठी है यार। यही लगाओ, अच्छी है। अच्छी लग रही है। यस सर। क्या कट कर रहे हो यार? हाय।
अरे नहीं देते अभी। हम पापा का बर्थडे गिफ्ट पैक कर रहे हैं। एक तो हमने सुबह दे दिया, वो मम्मी की तरफ से था टी शर्ट। और हमने कल क्या क्या लाया पहले आपको दिखाते हैं। एक तो शूज जो कि राशि की तरफ से है, और सॉक्स, और मेरे और ऋषभ की तरफ से टी शर्ट है, और ये है। और एक ट्राउज़र भी लाना था, यहाँ पे हमें इतना अच्छा नहीं मिला तो वो हम ऑर्डर करेंगे डीकैथलॉन से। तो अभी अब हम सारे गिफ्ट जो है पैक करेंगे, और पापा को बाद में जब सब लोग आ जाएंगे तब गेस करने को बोलेंगे ना कि किसने क्या दिया हुआ है और किसने क्या है। तो हाँ मज़ा आएगा। तो अभी बस गिफ्ट पैक करते हैं। तो ऋषभ भी आ गया है और अब हम लंच करेंगे। एक बार आपको मैं दिखाती हूँ ब्लॉग को। हाय बोलो। तो ये लोग बातें कर रहे हैं और हम तब तक खाना डालते हैं। और पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है सब्जी। सो पहली है नदर यखनी, ओके। दूसरी है येलो पनीर। येलो पनीर को क्या बोलते हैं? ये है राजमा। फिर ये है रेड पनीर प्लस बैंगन। ये है तहर। ये है एयर फ्राई वाले नदरू के चिप्स। उसके बाद ये तो कल हमने बनाई थी, क्या है नुन्नर सोचो अलकांजे दमालू का। और ये है दमालू और मूली की चटनी निकाला। ये रही, इसमें नमक डालना, बाकी मैंने सब ये मैंने बनाया। बस इसमें अब नमक डालना। मम्मी डाल नमक, मसाला दही तो नहीं डालना, मिर्ची कम तो नहीं डाली, कम लग रही हरी मिर्च। ये है खाने में अभी हनी और पापा खाने वाले, फिर हम लेके आएंगे। टेस्ट करके बताना कैसा है सब मैंने बनाया। क्या मैंने बोला था ना गाड़ी ले जाएंगे। मैं क्यों ये नहीं बोला, मुझे खानी गाड़ी ले जाएंगे, उसको भी खानी। हाँ तुम्हें अभी भूख लगती है, अभी मक्की है। ये दोनों बेकार है लोग। घर में क्या? घर में मक्की खानी है। साला तो अभी क्या खानी है? आइसक्रीम। इसको नींबू मिर्च नहीं लगाना। कितनी बार इनको समझाना पड़ता है, मैंने इनको गाड़ी में बोल के भेजा था ऐसा ऐसा बोलना ऐसा ऐसा करना। दोनों ही निकम्मे यार, इतना खाना खा लिया कि पेट में ना मतलब फुल सा लग रहा है। खाना खा के तो हम ऐसे लेट गए ना, मज़ा आ गया। ऋषभ तो सो गया एक घंटा आराम से, और फिर इसको कुछ चीज़ें लानी थी मेरे घर के, मतलब पास में ही थी प्रोटीन्स की शॉप, तो फिर वहाँ से हमने वो लिया। और अभी अब मक्की घर लेके जा रहे हैं, शी चाय के साथ खाएंगे। और आइसक्रीम खानी थी मेरे को, इन दोनों ने मना कर दिया। तेरे को कौन सी खानी है? हाँ तेरे को कौन सी खानी है? लेमन लिमोन तेरे को? मेरे लिए भी लेमन। अभी पापा को मिलने वाला है कुछ बड़ा सरप्राइज। नहीं अच्छी नहीं आई तू उसमें। अभी पापा को मिलने वाला एक बड़ा सरप्राइज। पहली टॉफी। पहले कुछ और बोला क्या?
पहले बताओ कि किसने दिया होगा और इसमें क्या होगा। फिर कौन बोलेगा? किसने लाया? जो नहीं थे वही लाए। जो सभी जो है ही नहीं पापा के पास। तो हम ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। पापा का हैप्पी बर्थडे भी हो गया। अब पापा आप व्लॉग एंड करो, दो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बोलो ये नहीं होता है। मम्मी 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 बोलो क्या। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।